सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खियां पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। तेल कटौती पर अमेरिका ने सऊदी अरब को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने सऊदी अरब को होने वाली हथियारों की डील रोकने तक की धमकी दे डाली है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक की सांठगांठ के खिलाफ केस दायर करेगा। उधर तेल कटौती में फैसले के बाद सऊदी अरब और उसके प्रिंस लगातार अमेरिकी राजनेताओं के निशाने पर हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि ओपेक देशों ने ये फैसला सऊदी अरब के दबाव में आकर लिया है, जबकि सऊदी अरब ने जोर देकर कहा कि तेल उत्पादन में कटौती का ये फैसला पूरी तरह आर्थिक है। इसका मकसद ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है और आने वाली वैश्विक मंदी को रोकना है। खैर, वजह जो भी हो, ओपेक देशों के इस फैसले के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। अमेरिका में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई हैं। ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। बाइडेन प्रशासन ने तेल कीमतों को स्थिर रखने के लिए रिजर्व पेट्रोलियम निकालने का फैसला लिया है। बाइडेन का ये फैसला कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल उठता है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब क्यों हुए, तो इसकी वजह जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका हमेशा से ही सऊदी अरब पर मानव अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाता आया है। जो बाइडेन ने साल 2020 में कहा था कि सऊदी अरब का अगर मानवाधिकार रिकॉर्ड देखा जाए तो इसे पायरिया कहना ही सही होगा। लेकिन इस साल जून के महीने में जब बाइडेन सऊदी अरब दौरे पर गए तो अंदाजा लगाया गया कि दोनों देशों के बीच तल्खियां कम हो गई हैं। बाइडेन के साथ प्रिंस सलमान का फीस्ट अप बम काफी चर्चा में रहा। अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि शायद देश एक सीक्रेट डील पर पहुंच गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रूस के साथ हाथ मिलाकर सऊदी अरब ने सारा खेल पलट दिया। 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों की मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि वो तेल उत्पादन में 2% की कटौती करेगा। सऊदी अरब ने रूस के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान अगले महीने भारत दौरे पर हैं। खबर है कि अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ने के लिए सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के चेहरे पर बड़ा तमाचा होगा, जबकि भारत और रूस जैसे देशों के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता। आपको खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 Digital।